नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का टेक्निकल मस्ती चैनल में। यहाँ पर हम करते हैं सभी प्रकार के मोबाइल फोन की अनबॉक्सिंग। तो आज भी लेके आए हैं दो स्मार्टफोन जिनकी अनबॉक्सिंग करेंगे एक साथ। आज हमारे पास पहला स्मार्टफोन है जो कि वीवो ने हाल ही में लॉन्च किया है, वीवो Y90, और दूसरा स्मार्टफोन है रियलमी C2। दोनों की अनबॉक्सिंग करेंगे एक साथ, नजर डालेंगे बेसिक फीचर्स, लुक, डिजाइन, कैमरा और साथ ही साथ फेस अनलॉक पर। बात कर लें दोनों मोबाइल के प्राइस की, तो वीवो Y90 आपको लगभग 6,500 से 7,000 रुपये तक की कीमत में मिल जाएगा, वहीं रियलमी C2 आपको 6,000 से 6,500 रुपये तक की कीमत में मिल जाएगा। बात करें वीवो Y90 की, तो इसमें आपको रियर में मिलता है 8 मेगापिक्सल का रियर कैमरा, 5 मेगापिक्सल का सेल्फी कैमरा, बैटरी आपको इसमें मिलती है 4030 mAh की, रैम मिलती है आपको 2GB की और 16GB का इंटरनल स्टोरेज आपको इसमें दिया गया है। वही रियलमी C2 की बात करें तो आपको इसमें रियर में मिल जाते हैं 13+2 मेगापिक्सल के ड्यूल रियर कैमरा, फ्रंट सेल्फी कैमरा 5 मेगापिक्सल का, 4000 mAh की बैटरी आपको इसमें दी गई है, 2GB की रैम और 16GB का इंटरनल स्टोरेज आपको इसमें भी मिल जाता है। तो जल्दी से करते हैं दोनों की अनबॉक्सिंग, देखते हैं और क्या क्या खास हमें दोनों स्मार्टफोन में मिलता है। बने रहिए मेरे साथ वीडियो में, चैनल पे आए हैं फर्स्ट टाइम सब्सक्राइब बटन दबा दीजिए, बगल में बेल आइकन है उसको भी दबा दीजिए, ऐसी वीडियो मैं आपके लिए लाता रहता हूं। तो बिना समय गवाए जल्दी से करते हैं दोनों मोबाइल के अनबॉक्सिंग को स्टार्ट। दोनों मोबाइल आते हैं कुछ ऐसी पैकिंग के साथ। रियलमी C2 में आपको मोबाइल का डिजाइन देखने को नहीं मिलता है बॉक्स में, जबकि वीवो Y90 में आपको पूरा डिजाइन दिया गया है। मोबाइल में आपको ड्रॉप नॉच मिलने वाली है, बैक साइड आपको थोड़े बहुत हेडलाइन फीचर्स देखने को मिल जाएंगे जिन्हें मैं वीडियो में आपको आगे बताता रहूंगा। जल्दी से कर लेते हैं दोनों मोबाइल के बॉक्स को अनबॉक्स और सबसे पहले कॉन्टेंट पे डालते हैं नजर। दोनों मोबाइल के बॉक्स हो गए हैं ओपन। सबसे पहले रियलमी C2 पे नजर डाले, सबसे ऊपर एक मिनी बॉक्स हमें इसमें मिल जाता है जिसको ओपन करने पे हमें यहाँ पर सिम इजेक्टर पिन दी गई है, साथ ही आपको क्विक स्टार्ट गाइड, यूजर मैनुअल इसमें दिया गया है और मोबाइल कवर आपको इसमें नहीं दिया गया है। इसके बाद आता है हमारा स्मार्टफोन, फिलहाल के लिए इसे हम साइड रख लेते हैं और अंदर देखते हैं। तो यहाँ पर हमें एक चार्जर अडाप्टर और एक USB केबल इसमें दी गई है। चार्जर अडाप्टर हमें इसमें मिलता है 5V 1 Ampere का और बैटरी 4000 mAh की है, तो आप की बैटरी काफ़ी स्लो इससे चार्ज होगी, कम से कम 2 Ampere का चार्जर हमें इसमें मिलना चाहिए। और ये है आपका नॉर्मल USB केबल। इसके बाद नज़र डालते हैं वीवो Y90 पे, तो इसमें भी हमें सबसे ऊपर एक मिनी बॉक्स मिल जाता है जिसको ओपन करने पे हमें यहाँ पर एक वारंटी कार्ड, क्विक स्टार्ट गाइड और साथ ही आपको एक फ्लेक्सिबल ट्रांसपेरेंट कवर मिल जाता है सिलिकन का मोबाइल की सुरक्षा के लिए, जबकि रियलमी C2 में आपको कोई कवर नहीं दिया गया है मोबाइल की सुरक्षा के लिए और अंदर कुछ नहीं है। इसके बाद स्मार्टफोन है, इसको भी हम साइड में रख लेते हैं और अंदर देखते हैं। तो यहाँ पर हमें एक चार्जर अडाप्टर USB केबल इसमें मिल जाती है। तो इसकी आउटपुट रेटिंग देख लेते हैं, तो इसमें भी हमें 5V 1 Ampere का चार्जर ही दिया गया है 4030 mAh की बैटरी को चार्ज करने के लिए, और USB केबल आपको दोनों में नॉर्मल USB केबल मिलती है। और अब नज़र डालते हैं दोनों स्मार्टफोन पर, तो ये है हमारे दोनों स्मार्टफोन। फ्रंट लुक कुछ ऐसा हमें देखने को मिलता है दोनों स्मार्टफोन का, साइज बिल्कुल एक जैसा है दोनों स्मार्टफोन का। ये देखिए यहाँ पर कमाल का आपको लुक मिल जाता है फ्रंट साइड से, वहीं बैक साइड देखें तो बैक साइड का लुक कुछ ऐसा हमें देखने को मिलता है दोनों स्मार्टफोन का। रियलमी C2 में आपको काफ़ी अच्छे डायमंड कर्व्स देखने को मिलते हैं और ब्लू कलर काफ़ी अच्छा लग रहा है, जबकि वीवो का हमारे पास ब्लैक कलर अवेलेबल है अभी। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं दोनों के बैक साइड कुछ ऐसा हमें देखने को मिलता है। बात करते हैं रियलमी C2 की, तो आपको इसमें मिलती है राइट साइड में पावर ऑन की, ऊपर की साइड कुछ नहीं है, लेफ्ट में आपको सिम ट्रे मिल जाती है, वॉल्यूम की मिल जाती है, बॉटम में स्पीकर, ग्रिल, चार्जिंग जैक, प्राइमरी माइक और 3.5 mm का ऑडियो जैक दिया गया है, यानी कि आपको सारा कुछ बॉटम में मिल जाता है। बैक साइड रियलमी की ब्रांडिंग यहाँ पर की गई है और रियर में आपको मिल जाते हैं 13+2 मेगापिक्सल के ड्यूल रियर कैमरा विद LED फ्लैश लाइट। फ्रंट में आपको मिलती है ड्रॉप नॉच जिसके अंदर आपको 5 मेगापिक्सल का सेल्फी कैमरा दिया गया है। अब बात करें वीवो Y90 की, तो इसमें आपको राइट साइड में पावर ऑन की, वॉल्यूम की एक साथ मिल जाती है, ऊपर की साइड कुछ नहीं दिया गया है, लेफ्ट में सिम ट्रे दी गई है, बॉटम में 3.5 mm का ऑडियो जैक, प्राइमरी माइक, चार्जिंग जैक और स्पीकर ग्रिल आपको बॉटम में मिल जाता है, यानी कि इसमें भी आपको सारा कुछ बॉटम में मिल जाता है। बैक साइड वीवो की ब्रांडिंग की गई है, साथ ही आपको रियर में 8 मेगापिक्सल का रियर कैमरा दिया गया है विद LED फ्लैश लाइट। फ्रंट में आपको इसमें भी मिल जाती है ड्रॉप नॉच जिसके अंदर आपको 5 मेगापिक्सल का सेल्फी कैमरा दिया गया है। अब दोनों मोबाइल की पावर को कर लेते हैं ऑन।
दोनों स्मार्टफोन की पावर को हमने कर दिया है ऑन। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं दोनों में आपको काफ़ी अच्छी डिस्प्ले क्वालिटी देखने को मिल जाती है और ब्राइटनेस हमने दोनों की फुल की हुई है। इंटरफेस कुछ ऐसा है दोनों मोबाइल का। यहाँ पर हम Realme C2 में देखें तो सारी ऐप आपको स्क्रॉल अप करने के बाद देखने को मिलती है, जबकि Vivo में कुछ ऐसे करने पर आपको ऐप देखने को मिलेंगी। दोनों में आपको प्री इंस्टॉल ऐप मिल जाती है, हालांकि आप इन्हें अनइंस्टॉल भी कर सकते हैं। बात करते हैं दोनों मोबाइल के डिस्प्ले साइज़ की, तो Realme C2 में आपको 6.1 इंच की IPS LCD मिलती है और Vivo Y91 में आपको 6.22 इंच की IPS LCD मिलती है। एस्पेक्ट रेशो की बात करें तो दोनों में आपको 19.5:9 का एस्पेक्ट रेशो मिलता है। स्क्रीन रेजोल्यूशन आपको Realme C2 में 720x1560 पिक्सल का मिलता है, Vivo Y91 आपको 720x1520 पिक्सल का दिया गया है। पिक्सल डेंसिटी आपको Realme C2 में 282 PPI की मिलती है और Vivo Y90 में आपको 270 PPI की दी गई है। बात करें दोनों मोबाइल की थिकनेस की, तो Realme C2 में आपको 8.5 mm की थिकनेस मिलती है और Vivo Y90 में आपको 8.2 mm की थिकनेस मिलती है। साथ ही आपको Realme C2 में Corning Gorilla Glass V3 का प्रोटेक्शन भी मिल जाता है, जबकि Vivo Y90 में अभी कोई इन्फॉर्मेशन नहीं दी गई है कि इसमें कौन सा गोरिल्ला ग्लास है या नहीं है। वेट की बात करें तो 166 ग्राम का आपका Realme C2 है और 163.5 ग्राम का आपका Vivo Y90 स्मार्टफोन है। अब दोनों की सेटिंग पे डालते हैं नज़र, तो सबसे पहले Realme C2 की हम सेटिंग में चले जाते हैं। स्क्रॉल डाउन करने पे हमें अबाउट फोन सेक्शन देखने को मिलता है, यहाँ पर हमें सारी जानकारी मिल जाती है। कलर OS वर्जन हमें इसमें मिलता है 6.0, एंड्रॉयड वर्जन 9 Pie दिया गया है। प्रोसेसर हमें इसमें मिलता है 2 GHz का ऑक्टा कोर चिपसेट MediaTek Helio P22 हमें इसमें मिलता है। 2 GB की रैम है, 16 GB का इंटरनल स्टोरेज जिसमें से हमें लगभग 7.23 GB अवेलेबल है यूज़ करने के लिए, बाकी आप एक्सपेंडेबल मेमोरी को 256 GB तक इसमें बढ़ा सकते हैं। वहीं बात करें Vivo Y90 की, तो इसकी भी हम सेटिंग में चले जाते हैं। सेटिंग में हमें यहाँ पर स्क्रॉल डाउन करने पर मोर सेटिंग का ऑप्शन मिलता है, जिसमें सबसे ऊपर अबाउट फोन सेक्शन दिया गया है। फन टच OS हमें इसमें मिलता है, IMEI नंबर दिए गए हैं दोनों स्लॉट के। एंड्रॉयड वर्जन यहाँ पर देखें तो इसमें हमें 8.1.0 ओरियो दिया गया है, तो ये देखें यहाँ पर हमें ओरियो इसमें मिल रहा है, जबकि Realme C2 में हमें 9 Pie मिलता है। सिक्योरिटी पैच लेवल 6/5/2019 का दिया गया है। 2 GHz का क्वाड कोर प्रोसेसर हमें इसमें मिलता है, तो यहाँ पर हमें क्वाड कोर प्रोसेसर मिलता है Vivo Y90 में, जबकि Realme C2 में हमें ऑक्टा कोर मिलता है 2 GHz का। इसमें हमें MediaTek Helio A22 का चिपसेट दिया गया है और Realme C2 में हमें MediaTek Helio P22 का चिपसेट जो कि लेटेस्ट है आपको इसमें मिल जाता है। इसमें भी आपको 2 GB की रैम मिल जाती है और 16 GB का इंटरनल स्टोरेज दिया गया है। स्टोरेज हम यहाँ से चेक कर सकते हैं, बैक आकर यहाँ पर आप देख सकते हैं 2 GB की रैम, 16 GB का इंटरनल स्टोरेज है, जिसमें से हमें 8.60 GB अवेलेबल है यूज़ करने के लिए, बाकी आप इसमें भी 256 GB तक का कार्ड यूज़ कर सकते हैं, यानी कि आप दोनों में 256 GB मेमोरी को बढ़ा सकते हैं। आप नज़र डालते हैं दोनों स्मार्टफोन के कैमरा पर। दोनों स्मार्टफोन के रियर कैमरा हमने कर दिए हैं ऑन, तो यहाँ पर हमें काफ़ी अच्छे कैमरा मिल जाते हैं दोनों स्मार्टफोन से। ये देख सकते हैं आप, दोनों का कैमरा आपको काफ़ी अच्छे मिल जाते हैं, दोनों से एक एक पिक्चर हम कैप्चर कर लेते हैं। तो ये है दोनों मोबाइल के रियर कैमरा से ली गई पिक्चर, तो काफ़ी अच्छा जूम है दोनों मोबाइल का, यहाँ पर आप देख सकते हैं दोनों में आपको काफ़ी अच्छी पिक्चर क्वालिटी भी मिल जाती है, जबकि आपको Realme C2 में ड्यूल कैमरा मिल रहे हैं, मगर यहाँ पर दोनों के कैमरा काफ़ी अच्छे हैं। बाकी अपनी अपनी पसंद है, आप बता सकते हैं कमेंट बॉक्स में किसका कैमरा आपको ज़्यादा अच्छा लग रहा है। वहीं नज़र डालते हैं दोनों के फ्रंट सेल्फी कैमरा पर, तो यहाँ पर दोनों में आपको 5 MP का सेल्फी कैमरा मिलता है। तो यहाँ पर थोड़ा लाइट की प्रॉब्लम है, थोड़ा ऊपर से हम एक एक पिक्चर ले लेते हैं। तो ये देखिए दोनों से ली गई सेल्फी कुछ ऐसी हमें देखने को मिलती है, ये यहाँ पर आप देख सकते हैं, जूम करके भी देख लेते हैं तो काफ़ी अच्छी सेल्फी आपको दोनों मोबाइल से देखने को मिल जाती है। अब बारी है फेस अनलॉक की, तो देख लेते हैं दोनों में फेस अनलॉक हमें कैसा मिलता है। दोनों डिवाइस में हमने लॉक सेट कर दिया है, दोनों डिवाइस अभी लॉक है और इन्हें हम फेस की तरफ करते हैं और देखते हैं यहाँ पर 1 2 3 स्टार्ट, एक जैसी स्पीड। Vivo Y90 थोड़ा फास्ट, 1 2 3। तो Vivo Y90 थोड़ा अच्छा वर्क कर रहा है, दोनों की साइड को चेंज कर लेते हैं। Vivo Y90 थोड़ा फास्ट है Realme C2 के मुकाबले।
बाकी आप कमेंट बॉक्स में बताइए दोनों स्मार्टफोन में आपको कौन सा मोबाइल अच्छा लगा, क्या वीवो Y90 रियलमी C2 को टक्कर दे सकता है, ये आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए, क्योंकि रियलमी C2 वीवो Y90 के मुकाबले काफ़ी आगे है। ये आप देख सकते हैं प्राइस में भी आपको काफ़ी सस्ता मिल जाता है वीवो Y90 के मुकाबले। बाकी आप कमेंट बॉक्स में बताइए, अगर आपने परचेस कर लिए दोनों में से कोई भी स्मार्टफोन तो मोबाइल के बारे में कोई भी जानकारी आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं, जिससे हमारे अन्य व्यूअर्स को भी मदद मिले। तो मिलते हैं अगली वीडियो में अगली अनबॉक्सिंग के साथ, तब तक के लिए दोस्तों बहुत बहुत धन्यवाद।